वैसे तो हमारी अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, पर कुछ अपेक्षाएं जायज भी होती हैं। समाज में हम हर वर्ग के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, पर आज मैं कुछ ऐसे अपेक्षाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद हर वर्ग के लिए ज़रूरी है। इनमें कुछ सरकार से तो कुछ खुद समाज से और कुछ देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया से होगी। एक सक्रिय समाज के नागरिक के तौर पर मीडिया और सरकार से होने वाली अपेक्षाओं पर पूरी किताब ही लिखी जा सकती है। शायद पन्ने और कलम की स्याही खत्म हो जाए, लेकिन तंत्र द्वारा प्रताड़ित एक आम जनमानस की आंखों से मीडिया के तरफ देखती हुई लालसा खत्म नहीं होगी। तब भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिहाज से मेरी यह अपेक्षा है कि मेरे देश की सरकार संविधान व उसमें निहित प्रत्येक विधाओं का पालन करें। भारत की बात करें, यहाँ की प्रबुद्ध जनता को जाति धर्म समुदाय के बेरियों से आज़ाद कराएं। सरकार से मेरी अपेक्षा रहेगी कि विश्व को एक ग्लोबल गांव के तौर पर आकृति देने में यहाँ की सरकार योगदान दे। पश्चिमी देशों से तुलना ना करते हुए मेरी सरकार से यह मांग रहेगी कि भले हमारे पास अत्याधुनिक युद्धपोत और बम वर्षक विमान ना हो, पर मेरे गाँव में रह रहे दिहाड़ी मजदूर की बेटी लीला के लिए बेहतर सुविधाओं वाला हाई स्कूल हो, वहाँ के किसान इतने समृद्ध बने कि कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपनी उपजाऊ जमीन और दुधारू गाय ना बेचना पड़े। चाहे तो सरकारें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर सब्सिडी ना दें, पर इसे हक पूर्वक खरीद लेने के लिए युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करें। सरकार पढ़े लिखे युवाओं, कौशलपूर्ण दिव्यांगों और मेहनती महिलाओं के लिए नए रोजगार के श्रेणियों पर काम करें, जिससे इनके और इनके परिवार की जीवन शैली सुधर सके। मेरी यह मांग रहेगी कि सरकार उन तमाम गरीब दलितों आदिवासियों और औरतों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत हो, ताकि वे संविधान द्वारा निहित समानता और गौरव के साथ जीवन यापन कर सकें। इससे एक सशक्त देश और समाज का उद्गम हो। किसी राष्ट्र के गौरव के लिए समाज में रहे लोगों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जिम्मेदार उसकी सरकारें। एक स्वस्थ समाज एक महान राष्ट्र का निर्माण करती है। देश की सेवा केवल हाथ में बंदूक लेकर सरहदों पर डटे रहने तक सीमित नहीं है। एक ऑटो चालक, बैंक कर्मी, पोस्टमैन या एक विद्यार्थी के तौर पर भी हम समाज निर्माण करते हैं। समाज से हमारी यह अपेक्षा होनी चाहिए कि लोगों को अपने दायित्व के प्रति जिम्मेदारी की अनुभूति हो, उनमें अन्याय न सहन करने का जज्बा हो और वे गरीबों असहायों पिछड़ों के आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाएं। समाज में धार्मिक और जातीय सौहार्द का माहौल हो और लोग किसी भेदभाव के शिकार ना हो। जनता सिर्फ अपने मौलिक अधिकारों के लिए न तत्पर रहे, अपितु अपने मौलिक कर्तव्यों को भी जाने। समाज अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जन सरोकार के कार्यों में अपना योगदान दें और समाज में आ रहे दिक्कतों का मिलकर सामना करें। अब बात करें मीडिया की, तो वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह या व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। आज के जीवन में मीडिया एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। उनसे मेरी अपेक्षाएं हैं कि मीडिया परिवर्तन का माध्यम बने, केवल समाचार परोसने वाला नहीं, मनोरंजन करने वाला नहीं, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया हो, उसे समाज के विविध घटकों के बीच समरसता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, न कि रंजिश और दंगे। और खासकर उसे निष्पक्ष होना चाहिए, उसे निर्माण की वाहिका बनाई रखनी चाहिए, न कि विनाश का कारण। हमारे नज़र से मीडिया को जनता का सहभागी भी उतना ही बनना चाहिए जितना कि सरकार का। मुझे मीडिया से यह भी उम्मीद है कि वो बड़े शहरों और मेट्रो सिटी के साथ साथ छोटे कस्बे या गांव में जाकर उनके मुद्दों को भी सरकार के सामने लेकर आए, ताकि उनकी दिक्कतों और जीवन शैली को भी लोग और सरकार समझकर उनके हित में काम कर सके। वर्तमान परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य में समाज और मीडिया के फलस्वरूप व वर्तमान मुद्दा पर हमारी बातों को
आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास यही है कि नव वर्ष हमारे लिए नई चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी ला रहा है। अतः मैं और आप, यह समाज, हमारी सरकारें और मीडिया भारत के साथ साथ विश्व के विकास में सहयोगी बने। धन्यवाद।